किस्मत देखी कितनी अच्छी मेरी, जहाँ भी जाओ ना मैं वहाँ जाम में ना फंसूँ ऐसा हो नहीं सकता। गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है चंदन मिश्र और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एनसी मोटो ब्लॉग। अभी यार मेरी आँखें छोटी छोटी नज़र आ रही होंगी ना आपको, अभी मैं सोच रहा था और हाथ में हो रहा है मेरा आँखें दिख रहा हुआ। तो आज मुझे जाना है अमृतसर, वहाँ मुझे थोड़ा काम है, पहले थोड़ा अपना काम करूँगा फिर उसके बाद मुझे वहाँ पर हम देखेंगे, वहाँ पे मुझे मार्केट देखेंगे और वहाँ पर कुछ जो फेमस जगह हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहना वीडियो पर। तो घर से निकलने के बाद ये हमारा पहला टोल प्लाजा है जहाँ हमको टैक्स देंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी बुलेट पे, तो जो फोर व्हीलर अलग है वो टैक्स देंगे और हम साइड से निकल जाएंगे आराम से। तो जैसे आपको पता ही दोस्तों कि अमृतसर मतलब अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है, वहाँ का एक तो खाना बहुत फेमस है और जगह तो आपको पता ही है वहाँ से कैसी है और कितनी अच्छी अच्छी वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग में ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की हिस्टोरिक प्लेसेस दिखाऊँ और बढ़िया बढ़िया फूड हम भी इंजॉय करेंगे और आप भी हमारे साथ इंजॉय करना। हाँ दोस्तों, यही रास्ता जाता है मनाली को भी जाता है, पर मनाली थोड़ा आगे जाएगा और हम मनाली से पहले ही मुड़ जाएंगे। पर ना सवेरे सवेरे ना बाइक चलने में बहुत मज़ा आ रहा है, ना कोई भीड़ ना कोई, आराम से जा रहे हैं, मौसम का मज़ा लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपने कभी भी अमृतसर गर्मियों में मत जाना, क्योंकि मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। लास्ट टाइम जब मैं गया था अमृतसर तो मैं गलती से जुलाई में चले गया, मुझे नहीं पता था कितनी गर्मी पड़ती है वहाँ पर। तो उस टाइम हमने इतना पानी पिया ना वहाँ पर, और मैंने एक ब्लैक टी शर्ट पहन के गया था, पूरी वाइट हो चुकी थी, उसमें बॉडी से शॉर्ट निकलता है तो हालत ख़राब हो गई। तो अमृतसर अगर आपको जाना है ना कभी तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक के जाना, बहुत ही बढ़िया मौसम रहता है, तो बंदा इंजॉय भी कर पाता है। और उसके बाद गर्मी में आप जल्दी से चलाइए ना, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। बाकी जो श्रद्धालु वो तो चलते रहते हैं, उनको तो वही वो नहीं है, क्योंकि जब मर्जी जा सकते हैं। अगर आपने मतलब जैसे मेरी तरह घूमने जाना वहाँ पर तब तो आप भैया सर्दियों में जाना, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा तब, गर्मी में आपसे वहाँ जो वहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर पंजाब को ऐसा इलाका है जहाँ सर्दी पड़ती होगी खतरनाक, गर्मी पड़ती होगी भयंकर। तो दोस्तों मुझे यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, अमृतसर का रोड है, अगर सीधा अगर हम सीधा चलेंगे ना तो हम सीधा पहुँच जाएंगे मनाली को। तो हमने मुड़ना है इधर, यहाँ पर शायद बोर्ड लगा भी होगा, तो हम जैसे हम मोड़ मुड़े तो हम वाला फ्लाई ओवर कर चुके हैं, अब जो अमृतसर पर जाता है वो भी बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, ये आगे लकड़ी से लादा हुआ ट्रक। वहाँ ना ठंडा इतना हो रहा ना कि अब हमें एक छोटा सा ब्रेक देंगे, हम वहाँ थोड़ा चाय पियेंगे, क्योंकि हम सवेरे खाली पेट निकलेंगे उससे, ना हमने कुछ खाया ना कुछ किया, तो कभी कभी हमें रास्ते कुछ पहला ढाबा मिलेगा तो हम वहाँ पर ब्रेक लेंगे। ये देखो हाईवे पे यहाँ लंगर लगा है, तो यहाँ कुछ खाते हैं, चाय लो, फ्री की चाय होगी। अभी यहाँ पे कोई वीआईपी जा रहा है हमारे आगे आगे, तो पुलिस वाले ने बोला कि अपनी गाड़ी पर स्टोर रखो। तो निकल चुके हैं, तो अभी हम पहुँच चुके हैं जलंधर छावनी में, बड़ी जल्दी पहुँच गया जलंधर। मेरे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो केएफसी है और ये है रॉयल किंग रिजोर्ट जलंधर का, मतलब मैंने यार हम 1.5 घंटे में हम 150 किलोमीटर चला दिया यार, अगर हमने एक रिकॉर्ड बना दिया, नहीं नहीं डेढ़ नहीं सॉरी 2 घंटे में 150 किलोमीटर, बड़ा तगड़ा हाईवे बना दिया पंजाब वाले ने।
अभी यहाँ पे हम जलंधर में रुके हैं, थोड़ा देर रुकेंगे, 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। देख मेरे आगे ना एक बड़ी अच्छी जीप टाइप की जा रही है, थार जैसी दिख रही है, पर मुझे लग नहीं रहा थार है। देखते हैं हम थोड़ा करीब जाके उसको। ये देखिए क्या मस्त गाड़ी है अभी, ये है रूबिकॉन जीप है ये। ये देखो किस्मत देखी कितनी अच्छी मेरी, जहाँ भी जाओ ना मैं वहाँ जाम में ना फंसूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी यहाँ से अमृतसर है 30-40 किलोमीटर और यहाँ पे लग गया जाम, ये खड़ा आर्मी ट्रक, यहाँ की वो लोकल मार्केट है मेरे घर के साइड में। तो हमारे तो किस्मत ही बहुत अच्छी चल रही है आजकल। अरे बहुत लंबा जाम है ये, तो बने रहो वीडियो में, देखो मैं कैसे फंसा हूँ उस जाम में। तो फाइनली अब हम ट्रैफिक से निकल चुके बाहर, आप किधर जाएंगे हाईवे, अब यहाँ से पता है 30 किलोमीटर, तो सीधा वहीं पहुँच के आपके पास। तो दोस्तों यहाँ से अब अमृतसर रह गए मुश्किल से 5 किलोमीटर, तब तक मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी चीज़ दिखाता हूँ, एक बहुत ही बड़ा गुंबद जो मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं। आप इससे थोड़ा नज़दीक से देखते हैं, भाई यहाँ तो लाइट वाइट कुछ है ही नहीं, लाइटें यहाँ पर जलने दी हो कोई बात नहीं। अब ये देखिए क्या मस्त नज़ारा है, ये मैंने पहली बार देखा है, पहले भी अमृतसर आया था, पहले हमने बस में आया था तो कुछ देख नहीं पाया था, आज देखना क्या मस्त है यार ये तो बहुत बड़ा है यार ये, तो जो भी है बहुत अच्छा है। हम निकलेंगे इसके नीचे से, फिर देखिए दोबारा मिलेगा ट्रैफिक हम। ये है चलो निकल गए हम ट्रैफिक से बाहर। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अमृतसर, यहाँ मुझे पहले कुछ काम है अपना पर्सनल काम है, पहले वो निपटाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा यहाँ की वो जगह जहाँ के लिए हम आए हैं देखने, तो उस जगह को देखने के लिए वीडियो में बने रहें। मेरे आगे तो जा रहे हैं राइडर, वो देखिए। तो दोस्तों हम अपने होटल के रूम में पहुंच चुके हैं, ये रहा होटल, मेरे होटल की, अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कैसा है अपना रूम। मेरा होटल का रूम, अंधेरा है लाइट जलाते हैं, ये लाइट जल चुकी, ये रहा हमारा रूम। ठीक है मतलब रीजनेबल रेट पे है, 1000 रुपये में बढ़िया रूम मिल गया हमें। अब हम सीधा मिलते हैं सीधा डेस्टिनेशन पे। तो फाइनली दोस्तों मैंने जो जिस काम के लिए मैं आया था अमृतसर, तो मेरा काम हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ गुरुओं की नगरी जो है मेरे पीछे, ये रही, ये है सिखों का प्रसिद्ध मंदिर श्री हरमिंदर साहिब, देख सकते इसकी खूबसूरती, इसी गोल्डन टेम्पल भी बोला जाता है, तो आपको ये भी दिखाना चाहता था। ये देखिए दोस्तों गोल्डन टेम्पल का साइड व्यू कितना सुंदर है, ये मतलब इसको देख कैसे लगा, इसको देखते रहे सारा दिन, मतलब मन ही नहीं भरता इसको देखने से। दोस्तों ये फ्रंट व्यू है हरमिंदर साहिब मंदिर का, तो ये बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है,
हम भी यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं। दोस्तों देखिए कितने खूबसूरत है यार, ये एक महल की तरह लग रहा है, ये अपने आप में ये भी एक अजूबा ही है। और इसको देखने का मज़ा रात को ही है, क्योंकि दिन में ना धूप में एक तो परेशानी ये होती है कि गर्मी, और दूसरा जैसे अभी चमक रहा है ना वो दिखेगा दिन में, और दिन में इसकी ब्यूटी कम नज़र आई, और रात को जो ब्यूटी देखो उसकी कितनी सुंदर नज़र आ रही है। तो दोस्तों अब इसके साथ ही पहले हम माथा टेकेंगे, उसके बाद हम लंगर चखेंगे, फिर हम आज तो बहुत टाइम हो चुका है तो बाकी का हम आपको कल दिखाएंगे। जैसे जलियाला बाग हो गया वो कल हम मॉर्निंग में दिखाएंगे, फिर कल ही हम आपको अटारी बॉर्डर लेके जाएंगे और वहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी दिखाएंगे। तो बने रहना वीडियो पे एंड तक। दोस्तों यहाँ की ना खास बात भी है, इसलिए गुरुओं की नगरी बोलते हैं, और यहाँ कोई भूखा नहीं सोता क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे लंगर लगा रहता है। तो आप जब मर्जी आइए, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब मर्जी आओगे ना आपको यहाँ लंगर हमेशा मिलेगा। तो ये यहाँ की खास बात है। दोस्तों अब हमने माथा टेक लिया है और लंगर चख लिया है, और हम जा रहे हैं बाहर। हम आपको अब आपको ना बाहर की भी दिखाते हैं। तो बाहर की यहाँ की मार्केट है ना वो भी बहुत सुंदर है, तो सीधा मिलते हैं बाहर। दोस्तों देखो यहाँ के जो बाहर के जो शॉप्स है ना वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, और एक बड़ा सुंदर एक स्टैचू बना हुआ है, और साथ ही इसके एक जलियांवाला बाग है जहाँ हम आज नहीं जा पाए, तो हम यहाँ पे किसी कल कवर करेंगे। आज हम बहुत लेट हो गया था किसी काम से, तो उसको आज हम कवर नहीं कर पाए। तब तक आप यहाँ के सुंदरता को देखिए। और ना यहाँ की दुकानों की ना खास बात है, जैसे कि आप सब नोटिस कर रहे होंगे यहाँ सारी दुकानों का जो ऊपर जो बैनर लगा हुआ ना उन सब का डिज़ाइन सेम है। इसका पता नहीं क्यों सेम है, पर जो भी है अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए, और यहाँ पे जेब कतर से सावधान रहना क्योंकि यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं। क्या सुंदर यहाँ पर हर तरह की शॉप मिल जाएगी। हे गाइस, तो हम आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत लेट हो चुका है। जो जलियांवाला बाग हम आपको कल दिखाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये इस व्लॉग में सब कुछ आज दिखाता तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए मैं एक दो दिन तक हूँ यहाँ पर। तो मैं कल आपको दिखाऊँगा जलियांवाला बाग, और शाम को मैं दिखाऊँगा आपको रिट्रीट सेरेमनी जो अटारी बॉर्डर पर होगी। तो अब चलते हैं घर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, मिलते हैं कल।